पे तो हमारा टॉपिक है कॉल बाय रेफरेंस। इन कॉल बाय रेफरेंस द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इज पास्ड इनटू द फंक्शन कॉल एज द एक्चुअल पैरामीटर। यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर में हम लोग वैल्यू ना पास करके यहाँ पे हम लोग उस वेरिएबल का एड्रेस पास करते हैं। यहाँ पे हम लोग कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं डाल रहे, हम लोग जो भी वेरिएबल्स वहाँ पे पास करेंगे उसका एड्रेस हमको पास करना है। द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर कैन बी मॉडिफाइड बाई चेंजिंग द फॉर्मल पैरामीटर सिंस द एड्रेस ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर इज पास्ड। यहाँ पे हम लोग एड्रेस पास कर रहे हैं ना कि एक्चुअल वैल्यू पास कर रहे हैं, तो हम लोग का जो एक्चुअल पैरामीटर में जो भी हम लोग वेरिएबल पास करेंगे उसका वैल्यू भी यहाँ पे मॉडिफाई हो जाता है। कॉल बाई वैल्यू में ऐसा नहीं होता था, एक्चुअल पैरामीटर की जो वैल्यूज है वो कभी भी चेंज नहीं होती थी। ठीक है, फॉर्मल पैरामीटर में अगर कोई भी चेंजेस या मॉडिफिकेशंस होते हैं तो वो एक्चुअल पैरामीटर में रिफ्लेक्ट नहीं होता था। मतलब एक्चुअल पैरामीटर की मेमोरी जो होती थी वो अलग होती थी और यहाँ पे जो मेमोरी होती है फॉर्मल पैरामीटर में वो अलग होती थी, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में ऐसा नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, इन कॉल बाय रेफरेंस द मेमोरी अलोकेशन इज सिमिलर फॉर बोथ फॉर्मल पैरामीटर्स एंड एक्चुअल पैरामीटर्स। ऑल द ऑपरेशन इन द फंक्शन आर परफॉर्म्ड ऑन द वैल्यू स्टोर्ड एट द एड्रेस ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर्स। यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मेमोरी अलोकेशन जो फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर के लिए होगा दोनों के लिए सेम होगा। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा फॉर्मल पैरामीटर्स के थ्रू उसकी जो कैलकुलेशंस करने के बाद जो वैल्यूज होंगी ठीक है वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होगी कहाँ पे, एक्चुअल पैरामीटर्स में। ठीक है, तो हम लोग आते हैं पॉइंटर वेरिएबल पे। देखो सी लैंग्वेज में दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, एक होता है नॉर्मल वेरिएबल ठीक है जिसके अंदर हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है, क्या स्टोर करते हैं, वैल्यू स्टोर करते हैं। लाइक हम लोग यहाँ अपने बनाया इंट ए ठीक है, इसके अंदर वैल्यू डाल दिए 10। इस प्रकार से हमने क्या किया, वैल्यू स्टोर कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट वैल्यू को स्टोर करते हैं। मतलब हम लोग को कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट एक वैल्यू चाहिए, वैल्यू इसमें स्टोर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल में वैल्यू स्टोर नहीं होती, वहां पे क्या स्टोर होता है, एड्रेस। ठीक है, क्या स्टोर होता है, एड्रेस, किसका एड्रेस, मेमोरी का। ठीक है, ये मेमोरी जो होगी वो किसको मिली होगी, किसी वेरिएबल को। ठीक है, मतलब डायरेक्ट कान ना पकड़ के घुमा के पकड़ रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हम लोग को जहां जहां वो वेरिएबल का काम होगा ठीक है हम लोग को डायरेक्ट वैल्यू मॉडिफिकेशन होगी वहां पे। ठीक है, अब यहाँ पे इतना मुद्दे की बात समझो कि पॉइंटर वेरिएबल जो है वो एड्रेस को स्टोर करता है। अब कैसे स्टोर करता है वो देखते हैं। ठीक है, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट बी ठीक है, और यहाँ पे मैं एक पॉइंटर वेरिएबल बनाता हूँ इंट एस्ट्रिक ए। ए क्या है, पॉइंटर वेरिएबल, ए क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, अब हमारे पास बी है, बी को मान के चलो मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ 20 से। ठीक है, बी के अंदर क्या है, 20 है, और यहाँ पे मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया। ठीक है, मैं इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर इस बी का एड्रेस स्टोर करूंगा। तो कैसे स्टोर करूंगा, एम परसेंट बी, ऐसा। तो बी का एड्रेस किस में स्टोर हो गया, पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बी की वैल्यू को, सॉरी यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, अगर हम लोग इस
ए को प्रिंट करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ, ठीक है, मैं एम परसेंट ए को मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा, अब ये तो एड्रेस स्टोर किया है बी का एड्रेस, ठीक है, बी का एड्रेस मान के चलो कोई भी है, जैसे कि 2001 है ये एड्रेस है मेमोरी लोकेशन, तो 2001 स्टोर है तो वो तो एड्रेस स्टोर करेगा 2001 मेमोरी लोकेशन पे जाएगा वो, ठीक है, उस मेमोरी लोकेशन के अंदर जाएगा और वहां पे वैल्यू उसको मिलेगी 20, ठीक है, वो उठा के 20 प्रिंट कर देगा। अगर मान के चलो मैं ऐसा करता हूँ, ए पॉइंटर ऑफ ए इक्वल टू पॉइंटर ऑफ ए प्लस 10, ठीक है, पॉइंटर ऑफ ए प्लस 10 कर रहा हूँ, मतलब 20 प्लस क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो हम लोग मॉडिफिकेशन किस में कर रहे हैं, ए में कर रहे हैं, ए में किसका एड्रेस स्टोर है, बी का एड्रेस स्टोर है, मतलब 2001, और 2001 लोकेशन पे हम लोग को कौन सी वैल्यू मिलेगी, 20 मिलेगी, इस 20 पे हम लोग किसको ऐड करना चाहते हैं, इस 10 को ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो 20 प्लस 10 क्या हो जाएगा, आउटपुट आएगा 30। अब ये 30 वैल्यू जो है स्टोर किस में हो जाएगी, 2001 में स्टोर हो जाएगी, ठीक है, हमने यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल दिया है, ठीक है, इस एड्रेस लोकेशन पे जाके वैल्यू 30 स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब नई वैल्यू हम लोग को हर बार जब जब हम लोग इस पॉइंटर वेरिएबल ए को यूज करेंगे, हम लोग को नई वैल्यू हमेशा 30 मिलेगी, मीन्स ये ओरिजिनल वेरिएबल पे भी वैल्यू को चेंज कर दिया है, अब यहाँ पे वैल्यू 30 मिलने वाली है हम लोग को, ओके। तो यहाँ पे मान के चलो ये है एक्चुअल पैरामीटर और ये है फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है, चेंजेस फॉर्मल में हुआ, रिफ्लेक्ट किस में हुआ, एक्चुअल में भी हो गया, ठीक है, चेंजेस किसने किया, ए ने किया, ठीक है, और चेंजेस किस में हुआ, इस बी में हुआ, मीन्स ये जो एड्रेस लोकेशन था वहां पे भी चेंज हो गया है। तो ये था पॉइंटर वेरिएबल जो कि एड्रेस स्टोर करता है, ओके। तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले यहाँ पे हमने एक सबसे पहले हमने एक यहाँ पे फंक्शन बनाया void change int, और हमने यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल एक्सेप्ट किया, मीन्स ये है फॉर्मल पैरामीटर, ओके, ये है हमारा फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। अब उसके बाद अंदर यहाँ पे मॉडिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं, इसके फ्लो को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है मेन से, यहाँ पे हमने अपने सबसे पहले एक वेरिएबल बना लिया x, x इक्वल टू 100 हमने ले लिया, देन उसके बाद प्रिंट एफ से हम लोग ने यहाँ पे प्रिंट किया बिफोर फंक्शन कॉल x इक्वल टू परसेंट d, और x की वैल्यू प्रिंट हो गया, यहाँ पे वैल्यू हम लोग जब प्रिंट करेंगे तो वैल्यू प्रिंट होगी 100, मीन्स ये वाला स्टेटमेंट। देन उसके बाद यहाँ पे कॉल हुआ है चेंज, चेंज कॉल हुआ है और यहाँ पे पास किए है एम परसेंट एक्स, मीन्स ये एक्स का एड्रेस यहाँ पे पास हुआ है, अगर मान के चलो इसका एड्रेस था 2001, ठीक है, ये एड्रेस 2001 यहाँ पे हमने पास कर दिया, हमने एक्चुअल वैल्यू पास नहीं किया, उसका एड्रेस पास किया, किसका, इस वेरिएबल का एड्रेस हमने पास किया है, ओके। अब कंट्रोल यहाँ पे आ जाता है, कंट्रोल void change पे आ जाता है, यहाँ पे एड्रेस पास किया और यहाँ पे हमने पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू उस एड्रेस को एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर में क्या पास हुआ, रेफरेंस पास हुआ, पासिंग रेफरेंस इन फंक्शन, ठीक है, किसका रेफरेंस पास हुआ, इस एक्स का रेफरेंस पास हुआ, रेफरेंस मतलब ही एड्रेस होता है, किसी किसी बुक में दिया होगा रेफरेंस, किसी किसी बुक में दिया होगा एड्रेस, दोनों का मतलब सेम होता है, जहां पे भी रेफरेंस की बात आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो हम लोग को समझ जाना है कि वो एड्रेस की बात कर रहा है,
तो यहाँ पे पास किया हमने एड्रेस विथ एड्रेस ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ एक्स, इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं एड्रेस ऑफ एक्स। तो एड्रेस ऑफ एक्स जो है पास हुआ चेंज में, और यहाँ पे हमने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया है जो उस एड्रेस ऑफ एक्स को एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे एड्रेस आया, यहाँ पे एड्रेस आ रहा है 2001, ये एड्रेस आया। देन उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंटफ से प्रिंट किया बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन नम इक्वल टू परसेंट डी। यहाँ पे प्रिंट करेगा नम की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एड्रेस है, एड्रेस किसका है 2001 का है, ठीक है। 2001 किसका एड्रेस है, इस एक्स का एड्रेस है, एक्स का एड्रेस है, एक्स के अंदर किसकी वैल्यू है 100 वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा 100 प्रिंट हो जाएगा, मतलब इस एड्रेस पे घुसा और घुस के वहां से वैल्यू ले आया, तो यहाँ वैल्यू 100 प्रिंट करेगा। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे पॉइंटर नम प्लस इक्वल टू 100, इसका मतलब क्या है, नम प्लस 100 कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। मीन्स इस एड्रेस के अंदर जो वैल्यू है उसमें प्लस 100 कर रहा है। इस एड्रेस में कौन सी वैल्यू है, 100 वैल्यू है, मीन्स 100 प्लस 100 कर दिया तो हम लोग को मिलेगा 200। देन उसके बाद प्रिंट एफ आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन नम इक्वल टू परसेंट डी। यहाँ पे जो नम की वैल्यू है अब यहाँ पे हो गई है 200, 100 प्लस 100 क्या हो गई, 200 हो गई। मीन्स इस एड्रेस के अंदर घुसा, उस वैल्यू को पकड़ा और उसमें 100 ऐड कर दिया, और वैल्यू क्या कर दिया 200 कर दिया, 200 यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे वैल्यू 200 प्रिंट होगी ये वाली, ठीक है। अब पूरे के पूरे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने कंप्लीट हो गए। देन उसके बाद कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ गया प्रिंट एफ आफ्टर फंक्शन कॉल एक्स इक्वल टू परसेंट डी। अब यहाँ पे मॉडिफिकेशन तो हो गया है, कहाँ पे मॉडिफिकेशन हुआ है, इस एड्रेस पे मॉडिफिकेशन हुआ है। एक्चुअल पैरामीटर की जो वैल्यू थी उस पे डायरेक्ट मॉडिफिकेशन किया गया है एड्रेस को पास करके। मीन्स ये एक्स अब 100 नहीं रहेगा, अब ये हो जाएगा 200। एक्स क्या हो गया, एक्स की वैल्यू हो गई 200, क्योंकि डायरेक्ट किस पे मॉडिफिकेशन किया गया, इस एड्रेस की वैल्यू पे मॉडिफिकेशन किया, किसी वेरिएबल की वैल्यू पे मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, वो डायरेक्ट उस वेरिएबल के एड्रेस पे मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 200। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमने फॉर्मल पैरामीटर में मॉडिफिकेशन किया, मतलब 100 ऐड किया, लेकिन वो किस में रिफ्लेक्ट हो गया, एक्चुअल पैरामीटर में रिफ्लेक्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग एड्रेस पास किए, उस एड्रेस के अंदर जो भी वेरिएबल होगा, सॉरी जो भी वैल्यू होगी वो डायरेक्ट मॉडिफाई हो जाएगी। यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर दोनों के लिए सेम मेमोरी लोकेशन का यूज किया जा रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं तो वो किसी दूसरे वेरिएबल का ही एड्रेस यूज करता है, वो कभी भी खुद से वेरिएबल में या फिर मेमोरी में मेमोरी को अलोकेट नहीं करता है, उसको किसी दूसरे का एड्रेस चाहिए होता है, वो खुद का मेमोरी अलोकेट कभी नहीं करेगा पॉइंटर वेरिएबल। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस का यूज करते हैं, और हम लोग किसी एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू को हम लोग फॉर्मल पैरामीटर से मॉडिफाई कर सकते हैं।